एवरीवन, मैं महेंद्र पांडे आप लोगों का अपने यूट्यूब चैनल के सीआई टैली स्पेशलिस्ट में एक बार फिर से हार्दिक स्वागत और अभिनंदन करता हूं। मैं आशा करता हूं कि आप लोग स्वस्थ होंगे। गाइस, जैसा कि आप लोग जान रहे हैं, हमारे द्वारा आप लोगों को कंप्यूटर के फ्री कोर्सेज प्रोवाइड कराए जा रहे हैं, जिस क्रम में मैं एमएस ऑफिस के अंतर्गत एमएस वर्ड की क्लासेज आप लोगों को दे रहा हूं, जिसमें मैंने लास्ट क्लास इंसर्ट मेन्यू के इलस्ट्रेशन टैब के बारे में आपको बताया था कम्प्लीटली। आज मैं उसके आगे कंटिन्यू करूंगा और आज की क्लास बहुत ही इंपॉर्टेंट है, बिकॉज लिंक्स टैब के बारे में आज हम आप लोगों को बताने वाले हैं, जिसमें आपका हाइपरलिंक, बुकमार्क तथा क्रॉस रेफरेंसेस आते हैं। तो गाइज, वीडियो को बिना स्किप किए आप लास्ट तक देखें। तो वीडियो स्टार्ट करें उससे पहले, यदि चैनल पर आप नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो अच्छी लगे तो लाइक करें, शेयर करें अपने फ्रेंड्स के पास, जिससे आपके फ्रेंड्स को भी फ्री क्लासेस प्राप्त हो सके। तो चलिए देखते हैं, एमएस वर्ड के अंतर्गत लिंक्स टैब आ चुके हैं एमएस वर्ड की विंडो पर। जैसा कि देख पा रहे हैं, इंसर्ट मेन्यू में हम आ गए और पीछे के ये सारे टैब्स को मैंने अलग अलग वीडियोस में पढ़ाया हुआ है, बताया हुआ है गाइस। तो जिसने भी मेरी वीडियो ना देखी हो पिछली, वो जरूर देख ले। आज हमें देखना है लिंक्स टैब के बारे में, जिसमें सबसे पहला ऑप्शन है हाइपरलिंक। हाइपरलिंक का मतलब होता है, यदि आप अपनी फाइल को किसी दूसरी फाइल से, चाहे आप वेब पेज के माध्यम से किसी यूआरएल को जोड़ना चाहते हैं या किसी भी ऑफलाइन मोड में किसी भी फाइल को अपनी फाइल से आप जोड़ना चाहते हैं, लिंक करना चाहते हैं, तो हम हाइपरलिंक का इस्तेमाल करते हैं। तो गाइस चलते हैं, हाइपरलिंक पर क्लिक करते हैं और हाइपरलिंक पर आप देख पा रहे हैं ये डायलॉग बॉक्स आपके सामने प्रेजेंट है, जिसमें आपका लिंक टू, कहां से हम लिंक कर सकते हैं, वो यहां पर कुछ ऑप्शंस हैं, जैसे एग्जिस्टिंग फाइल जो आपके कंप्यूटर में सेव्ड फाइलें हैं हम वहां से भी ले सकते हैं, वेब पेज से लिंक करा सकते हैं, प्लेस इन दिस डॉक्यूमेंट, जिस भी डॉक्यूमेंट्स हमने लिखा है, बना रखा है, उस डॉक्यूमेंट्स में हम कहीं भी प्लेस कर सकते हैं लिंक, और यहाँ से हम एक नया डॉक्यूमेंट भी क्रिएट कर सकते हैं, ईमेल एड्रेस वगैरह क्रिएट कर सकते हैं। तो एग्जिटिंग फाइल जो मेन वर्क होता है हाइपरलिंक करने का, फाइलों को जोड़ने का, वो हम यहाँ से देखते हैं। जैसे करेंट फोल्डर है, जो आपके सामने कुछ फोल्डर्स हैं, यहाँ कोई भी डेस्टिनेशन आप यहाँ से दे दीजिए और उस डेस्टिनेशन की फाइल को अपने इस पेज में आप लिंक कर सकते हैं। तो गाइस हम एक एक करके आपको बताएंगे, सो आप वीडियो को बिना स्किप किए लास्ट तक देखेंगे तो आपको वीडियो कम्प्लीटली समझ में आ जाएगा और ये आपका लिंक स्टेप आपको बहुत ही आसानी के साथ समझ में आ जाएगा। नेक्स्ट आपका ब्राउज पेज है, यहाँ से कोई भी पेज, हम ब्राउज पेज डायरेक्ट लिंक कर सकते हैं, किसी रिसेंट यूज्ड फाइल को भी हम लिंक कर सकते हैं। तो हम इसे अभी यूज करें, उससे पहले हम क्या करते हैं, हम थोड़ा सा डॉक्यूमेंट में अपने कुछ टेक्स्ट वगैरह ले लेते हैं। अगर हम रेंडमली टेक्स्ट लाना चाहते हैं तो यहाँ पर हम रेंड का फार्मूला लगाते हैं और अगर हम यहाँ कोष्टक दे दें और फार्मूले को लिख करके एंटर कर देंगे तो कुछ पैराग्राफ्स आपके सामने आ जाएंगे। बट हम ये खुद डिसाइड करना चाहते हैं कि हमें कितने पैराग्राफ चाहिए और हमें कितनी लाइनों का पैराग्राफ चाहिए, वो हम यही डिसाइड करना चाहते हैं। तो हम जैसे चार पैराग्राफ हमें चाहिए और वो चारों पैराग्राफ हमें चार चार लाइन या पांच लाइन का चाहिए हमें, या जितने भी लाइंस का आपको पैराग्राफ चाहिए वो आप यहाँ पर डिसाइड करेंगे और कितने पैराग्राफ चाहिए वो आप आगे लिखेंगे। इसके बाद आप एंटर कर देंगे और आपको पेज के अंतर्गत आपको पैराग्राफ मिल जाएगा। तो इस तरह से हम पैराग्राफ को ला सकते हैं गाइस। आप देख पा रहे हैं यहाँ पर ये पैराग्राफ्स लिखे हुए हैं, आप देखें यहाँ पर गैलरीज है, इन गैलरीज पर हम कोई लिंक जोड़ना चाहते हैं, कोई फाइल ऐड करना चाहते हैं, तो हम जस्ट हाइपर लिंक पे चले जाएं। आप देखेंगे जो हमने गैलरीज को सेलेक्ट कर रखा है वो टेक्स्ट टू डिस्प्ले यहाँ पर डिस्प्ले हो रहा है और इस करेंट फाइल में से हम किसी को भी यहाँ पर ऐड कर सकते हैं, या फिर हम गैलरीज की बात कर रहे हैं और गैलरीज में मान लेते हैं हमारे फोटोज हैं, तो हम यहाँ पर चले जाएं और आप देखेंगे नीचे हम आएंगे, किसी भी फाइल को हम यहाँ से ऐड कर सकते हैं, कर सकते हैं, जैसे इमेज नाम से एक फाइल है, ओके करेंगे तो ये गैलरीज पर लिंक बन के आ गया। आप देख पा रहे हैं यहाँ पर इमेज का जो फाइल नेम है, जहाँ से जो कंप्लीट पाथ है, एग्जैक्ट पाथ वहाँ से आपका शो कर रहा है और ये कह रहा है कि आपको अगर लिंक को फॉलो करना है, जाना है यहाँ पर, तो आप कंट्रोल के साथ क्लिक कर दें। जैसे ही आप कंट्रोल के साथ क्लिक करते हैं तो आपके सामने डायलॉग आ गया जो कि आपके फाइल का पाथ बता रहा है, फाइल का नेम दे रहा है और यहाँ पर आप अगर इसको कंटिन्यू करना चाहते हैं तो आप यस करेंगे, अगर इसको नहीं करना चाहते कंटिन्यू तो नो कर देंगे। यस कर दिया हमने तो आप देख पा रहे हैं वो जो फोटो की फाइल थी जिसको हमने दिया हुआ था, ये माता जी की फोटो हमारे सामने, माँ श्री सिद्धेश्वरी जी की फोटो आपके सामने आ गई है। तो इस तरह से हम यहाँ से कोई भी लिंक जोड़ सकते हैं। एक तरीका तो ये है कि हम किसी वर्ड पर अगर हम कोई भी काम कर रहे हैं अपने डॉक्यूमेंट में और किसी
वर्ड से हम किसी फाइल को अटैच्ड करना चाहते हैं तो हाइपरलिंक के माध्यम से हम कर सकते हैं। बट अगर हम यही हमारा डॉक्यूमेंट और डॉक्यूमेंट के अंडर में हम कोई एक फाइल का पाथ दे करके लिंक जोड़ना चाहते हैं, हम कोई भी अलग से वर्ड नहीं लिखना चाहते हैं, तो हम ब्राउज्ड पेज पर चले जाएं और पा रहे हैं एक लोकेशन यहाँ पर दिख रहा है, ब्राउज पेज का एक पाथ दिख रहा है जिसमें कोई एमएस वर्ड की फाइल है जो उमर नाम से है। इसको हम यहाँ से ओके करते हैं। देखिए इस तरह का भी लिंक बना है, इसको मैंने डायरेक्ट लिंक ही प्रेजेंट कर लिया। हम चाहते तो किसी एक वर्ड पर भी हम ले सकते थे और हमने डायरेक्ट फाइल का पाथ ले लिया। जैसे यहीं पर हम लिख दें हाइपर लिंक। अगर हम कई फाइलों का लिंक बना के जोड़ना चाहते हैं तो हाइपर लिंक वन लिख दिया हमने और यहाँ पर हम सेलेक्ट करते इसको और हम हाइपर लिंक पर चले जाते और यहाँ ब्राउज पेज पर जाकर के इसी फाइल को हम इसके साथ भी लिंक कर सकते थे। तो आप देख रहे हैं एक ही फाइल को मैंने दो जगह लिंक किया। आप देखेंगे यहाँ कंट्रोल के साथ क्लिक करते हैं तो आप देखें हाइपरलिंक की फाइल आपकी जो इसके साथ अटैच्ड है हाइपरलिंक नाम के हेडिंग के साथ, वो यहाँ यस करने पर फाइल ओपन हो जा रही है। देखिए ओमार नाम से एमएस वर्ड की कोई फाइल थी जिसमें ओमार सीट बनाया गया है। हम आपको वीडियो लाएंगे जैसे ओमार सीट हम कैसे बनाते हैं उसको भी हम बताएंगे आपको। यहाँ से गाइज देखें ये फाइल आपकी ओपन हुई। सेम फाइल मैंने यहाँ उसका कंप्लीट पाथ दे दिया है जिससे आपको डेस्टिनेशन पता चलता रहे कि हमारा जो ओमार नाम की जो फाइल है या कोई भी फाइल है आपकी उसका एग्जैक्ट डेस्टिनेशन उसका पाथ क्या है। वो आप यहाँ कंट्रोल क्लिक करेंगे और यहाँ पर क्लिक कर देंगे तो आपको फिर वही फाइल मिल जाएगी जो आपने उसके लोकेशन के साथ पेस्ट किया हुआ है। मीन्स हाइपरलिंक को हम किसी भी तरीके से यूज कर सकते हैं। हम किसी एक वर्ड को सेलेक्ट करके कर सकते हैं या हमें कई सारी फाइलें करना है तो हम हाइपरलिंक वन या फाइल का नाम दे करके हम हाइपरलिंक्स का एक वर्ड लिख करके बना सकते हैं या उसका एग्जैक्ट पाथ ले सकते हैं या अदरवाइज आपको जैसे यहाँ पे एंटर किए हमने कर दिया रिसेंट फाइल। रिसेंट फाइल नाम से एक लिंक हमने बनाना है हाइपरलिंक, इसको हमने सेलेक्ट कर लिया और यहाँ पर हम चले गए हाइपरलिंक पर और आप देख पा रहे हैं रिसेंट नाम की फाइल्स, रिसेंट फाइल्स करके भी और ऑप्शन है। यहाँ पर रिसेंट्स में जा करके हम कोई भी फाइल यहाँ से हमने सेलेक्ट किया और ओके कर दिया, ये भी एक लिंक जनरेट हो गया गाइस। तो ये बहुत ही इंपॉर्टेंट ऑप्शन है। हम एक अपने डॉक्यूमेंट पर काम कर रहे हैं और कई सारे लिंक हम जनरेट कर लेते हैं। ये काम आप वेब पेजेस पर देखते रहे होंगे कि जब हम वेब पेज ओपन करते हैं कोई भी तो मार्क हैंड मार्क आपको शो करता था जिसे हम लिंक का मार्क कहते हैं और ये मार्क वहीं शो करेगा जहां कुछ जुड़ा हुआ होगा। कोई भी फाइल किसी दूसरे फाइल या कंटेंट से अटैच्ड होगी तो ये सिंबल आता है, इसी को हम हाइपरलिंक कहते हैं। और यहां कंट्रोल के साथ यदि हम क्लिक कर देते हैं तो आपकी जो फाइल इसके साथ रिसेंट फाइल अटैच हुई है जिस पर आप काम कर चुके हैं वो फाइल इस तरह से आपके सामने प्रेजेंट हो जाएगी गाइस। तो ये काम आप यहां से आसानी के साथ कर सकते हैं। तो आपने देखा हाइपरलिंक को हम कई वे में यूज कर सकते हैं। हाइपरलिंक में ही अगर हम जाएं तो यहां लिखा है प्लेस इन दिस डॉक्यूमेंट। डॉक्यूमेंट में अगर हमने बुकमार्क बनाया हो, कोई हेडिंग्स क्रिएट की हो तो उसको भी हम यहां से प्रेजेंट कर सकते हैं। भी हम बुकमार्क करेंगे तो आपको इसके बारे में थोड़ा सा बताएंगे। और इसमें अगला ऑप्शन जो है आप देखें, ये अगला ऑप्शन है क्रिएट अ न्यू डॉक्यूमेंट। यहीं से डायरेक्टली हम नया डॉक्यूमेंट का लिंक भी क्रिएट कर सकते हैं। कोई भी डॉक्यूमेंट लिंक हम यहाँ से जनरेट कर सकते हैं। उसके लिए हमें डॉक्यूमेंट का एक पाथ देना होगा और हमारी फाइल बन जाएगी। यहाँ पर हम जाएं, यहाँ डॉक्यूमेंट का पाथ दे दें और हमारी फाइल डायरेक्ट वहाँ से एक लिंक बन जाएगी जहाँ से हम डायरेक्ट उस पर जा सकते हो। एक ब्लैंक फाइल भी ले सकते हैं, एक कोई फाइल का एग्जैक्ट पाथ दे करके भी ले सकते हैं। तो अलग अलग तरीके से हम वर्क कर सकते हैं। यहाँ कोई ईमेल एड्रेस का लिंक बना लें, डायरेक्टली उस मेल पर जाना चाहते हैं तो हम यहाँ से लिंक जनरेट करके जा सकते हैं अगर हम ऑनलाइन होंगे तो। तो शायद आपको हाइपरलिंक समझ में आया हो। अगर कोई भी डाउट रहता है तो आप कमेंट्स के माध्यम से हमें जरूर बताएं। अब हम अगला ऑप्शन देखते हैं बुकमार्क। बुकमार्क का काम होता है जैसे हम अपनी बुक को रीड कर रहे हो, कोई ज़रूरत लग गई, कहीं हमें जाना हुआ या हम आज नहीं पढ़ना चाहते उसके आगे अगले दिन कंटिन्यू करना चाहते हैं तो उस वर्ड को हम मार्क करना चाहते हैं तो बुकमार्क की मदद से हम उस वर्ड को यहाँ से मार्क कर सकते हैं। जैसे हमने यहाँ डिवाइस तक पढ़ा, अगले दिन हमें डिवाइस के बाद से पढ़ना है तो हम बुकमार्क पे चले जाएंगे और बुकमार्क में हम वही यहाँ हम डिवाइस लिख लेते हैं, अपना डिवाइस टाइप कर दिया और इस डिवाइस को हम ऐड कर देते हैं। आप देखेंगे बुकमार्क के साथ सेलेक्शन तो आया ही और एक डिवाइस को इसने एक ब्रैकेट में कर दिया। जैसे मैंने बुकमार्क जनरेट कर लिया, अब हम मान लेते हैं पेज में अपने कहीं भी हूँ,
हमने अपनी फाइल अपना डॉक्यूमेंट ओपन किया और हम बुकमार्क पर जाएंगे और डिवाइस को सेलेक्ट करके यहाँ से गो टू कर देंगे। डायरेक्टली हम अपने उसी वर्ड पर पहुँच जाएंगे जहाँ हमने अपना कोई भी ब्लॉग है या कोई भी पैराग्राफ या कोई बुक में जो हमने जहाँ पर लास्ट डे पढ़ा हुआ था उसके आगे हमें कंटिन्यू करना था वहाँ हमें डायरेक्टली पहुँचा देगा। इस तरह से हम बुकमार्क का इस्तेमाल कर सकते हैं, हम अलग अलग बुकमार्क भी क्रिएट कर सकते हैं या हम यहाँ एंटर करके जाएं और हम यहीं लिख दें बुकमार्क। बुकमार्क हमने लिख दिया, बुकमार्क आप देखेंगे इस बुकमार्क वन को हमने सेलेक्ट कर लिया और हम हाइपरलिंक पे चले जाएंगे। प्लेस इन दिस डॉक्यूमेंट लिखा हुआ है तो यहाँ बुकमार्क में डिवाइस को हम यहाँ से लिंक कर लेंगे। फिर हमें जाना है, जस्ट हम यहाँ कंट्रोल के साथ क्लिक कर देंगे, हम अपने बुकमार्क पर डायरेक्टली पहुंच जाएंगे। तो इससे भी हमें पता चल जाएगा लास्ट डे हमने यहाँ पर रीडिंग एंड की थी, अब हमें आज इसके आगे रीडिंग करना है। तो इस तरह से हम बुकमार्क जनरेट कर लेते हैं। आपको समझ में आ रहा होगा, यदि आ रहा है तो अच्छी बात है, यदि कोई प्रॉब्लम होती है तो वीडियो रिवाइंड करके आप देखें या फिर आप कमेंट के माध्यम से कोई क्वेरी हो तो हमें बताएं, हम उसमें आपको सजेशंस प्रोवाइड करेंगे। मान लेते हैं हम यहाँ पर हूँ, हेडिंग प्रोवाइड कर देते हैं, हेडिंग लिख दिया, हेडिंग वन कर दिया हमने और यहाँ पर हम नीचे आकर के अगले पैराग्राफ में भी हम एक हेडिंग और दे देते हैं आपको। इस तरह से हमने हेडिंग कर लिया। हेडिंग के फॉर्मेट में जाना है तो हम इसको यहाँ से सेलेक्ट करें और आपको मैं पीछे की क्लासेस में बता चुका हूँ, डायरेक्टली आप यहाँ से स्टाइल चेंज करेंगे, उसे हेडिंग वन के फॉर्मेट में कर देंगे और इसको सेलेक्ट करेंगे आप और यहीं से डायरेक्ट हेडिंग टू के फॉर्मेट में आप चेंज कर देंगे। इस तरह से हम हेडिंग्स भी क्रिएट कर सकते हैं डायरेक्टली। होम मेनू रिबन के अंतर्गत टाइटल्स नाम का टैब है जिसके अंतर्गत आप डायरेक्टली किसी भी वर्ड का, किसी भी कंटेंट की स्टाइल आप परिवर्तित कर सकते हैं। तो अभी आप देखेंगे यहाँ पर कि यदि हम लिंक जनरेट करना चाहते हैं, मैंने अभी हाइपरलिंक में आपको बताया था कि हाइपरलिंक में ओपन जो आपका ऑप्शन है ओपन इन दिस, तो आप देखें यहाँ दो हेडिंग्स क्रिएट हो रही हैं और किसी भी आपको वर्ड के साथ, जैसे मान लेते हैं इस पैराग्राफ के वीडियो शब्द से फर्स्ट हेडिंग का रिलेशन इस वीडियो वर्ड से है तो हम हाइपरलिंक पे जाएंगे और यहाँ हेडिंग वन को यहाँ से लिंक कर देंगे। आप देखेंगे लिंक जनरेट हो गया, यहाँ पर कंट्रोल के साथ हम क्लिक कर देंगे, जैसे ही डायरेक्टली हम हेडिंग वन पर पहुंच जाएंगे और उसके बारे में सजेशन यहाँ से हम पढ़ सकते हैं। तो इस तरह से हम हेडिंग्स का भी लिंक क्रिएट कर सकते हैं या हम अगर हाइपरलिंक देना ही चाहते हैं, लिख करके भी देना चाहते हैं तो यहाँ पर हम फिर से ऐड कर देते हैं हेडिंग लिंक, हेडिंग टू लिंक, मतलब यहां से हमारे हेडिंग टू का लिंक जनरेट हो जाएगा। हम यहाँ सिलेक्शन लें, हाइपरलिंक पर जाएं और हेडिंग टू को भी सेलेक्ट करके यहाँ से हम ओके कर देते हैं। इस तरह से हम लिंक जनरेट कर सकते हैं और डायरेक्टली हम उस कंटेंट पर या उस हेडिंग पर यहाँ से डायरेक्ट हम पहुंच सकते हैं इस तरह से। तो हाइपरलिंक को हम कई तरीके से इस्तेमाल कर सकते हैं, शायद आपको समझ में आ रही हो मेरी बात। बुकमार्क, और आपने बुकमार्क भी देख लिया, कोई जरूरी नहीं बुकमार्क का भी हम लिंक क्रिएट करें। नॉर्मली बुकमार्क यूज करना चाहते हैं तो आप जैसे पॉइंट पर हैं, यहाँ तक आपने रीडिंग की हुई, इसके आगे आपको करना है या कोई इंपॉर्टेंट मार्क करना है तो आप यहाँ चले जाएं और यहाँ से जा करके आप पॉइंट लिख लें, पॉइंट लिख करके इसको अभी आप ऐड कर लें। इस तरह से देखिए यहाँ बुकमार्क का पॉइंट आ गया और जब आपको कहीं भी आप पेज में हूँ अपने या आपके पास दो बुकमार्क हो गया है, जैसे पॉइंट नाम के बुकमार्क पर हम जाना चाहते हैं तो यहीं से जस्ट गो टू करेंगे और हम पॉइंट नाम के बुकमार्क पर डायरेक्टली पहुंच जाएंगे। तो चाहे आप केवल बुकमार्क का यूज करिए या बुकमार्क का भी लिंक जनरेट कर लीजिए हाइपरलिंक के माध्यम से, इसे नीचे है पेज में कहीं भी हो या जो पेज हमारे सामने होम पेज पर है, पहला पेज हम जो यूज कर रहे हैं वहीं पर हम सारे लिंक को इकट्ठा करना चाहते हैं तो क्रॉस रेफरेंसेस की मदद से भी हम कर सकते हैं। क्योंकि क्रॉस रेफरेंसेस ऑप्शन रेफरेंस में भी आपको अवेलेबल मिलेगा तो हम वहां से भी इसको आपको बताएंगे। यहां भी आप लिंक के साथ समझें कि जैसे कोई हेडिंग है, कोई बुकमार्क है, नंबर्ड आइटम हमने लिया नहीं, हम एक नंबर्ड बना लेते हैं, कोई इशू नहीं है, नंबर आइटम लेने में कोई ज़्यादा दिक्कत नहीं आएगी। यहाँ पर हम होम पर चले जाएंगे और यहीं से हमने नंबर कर लिया,
किसी नंबर को और अगली हेडिंग को भी हम नंबर करना चाहते हैं, जैसे अलग 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 पैराग्राफ है हमारे पास तो उसको नंबर करना चाहते हैं, जैसे यहाँ पर है, हम एंटर करेंगे फिर नंबर टू आ जाएगा। यहाँ कोई भी कंटेंट हमने लिख दिया, यहाँ पर हम एंटर किए, फिर हमारे पास एक नंबर आ गया, यहाँ हमने लिख दिया। इस तरह से हम नंबरिंग कर लेते हैं। तो नंबर्ड आइटम भी हमने ले लिया। अब हम चलते हैं क्रॉस रेफरेंसेस को देखते हैं। क्रॉस रेफरेंसेस के लिए हमने आपको बताया कि हम किसी भी ब्लैंक पेज या अपने होम पेज पर या कहीं भी हम करना चाहते हैं। हम आपको एक ब्लैंक पेज पर बता रहे हैं कि यहाँ पर हम चले जाएंगे इंसर्ट मेन्यू में और क्रॉस रेफरेंसेस पर चले जाएंगे। तो क्रॉस रेफरेंसेस मतलब किसी भी रेफरेंस को आपको शॉर्टकट माध्यम से जाना है, उसका आप लिंक जनरेट कर लीजिए और डायरेक्ट वहां आप जा सकते हैं। यहां आप देखें रेफरेंस टाइप, जिस टाइप के रेफरेंस को आपको लिंक करना है क्रॉस रेफरेंसेस के माध्यम से वो आप यहां चुनाव करते हैं। इंसर्ट रेफरेंस को किस वे में आपको इंसर्ट करना है वो आप यहां कर सकते हैं। इंक्लूड अबव एंड बिलो, अगर हम ऊपर नीचे कहीं भी हम करना चाहते हैं, अबव बिलो शो कराना चाहते हैं, वो हम यहां से भी सेटिंग उसकी कर लेंगे। लिंक ही हम जनरेट कर रहे हैं यहाँ से, तो हाइपरलिंक की तरीके से हम यहाँ देखें नंबर्ड आइटम में हमारे कुछ नंबर्ड आइटम आ गए हैं। चाहे हम कुछ वर्क हमने किया, जैसे हमने हेडिंग्स बनाई है तो हेडिंग्स भी मेरे पास प्रेजेंट हो रही हैं। हमने यहाँ से बुकमार्क जनरेट किया हुआ है तो बुकमार्क्स भी आ रहा है। हमने और कुछ ऐसा कोई ऑप्शन नहीं लिया है, हमने कोई कैप्शन नहीं क्रिएट किया, हमने कोई टेबल नहीं जनरेट किया है। तो कुछ चीज़ों के कुछ ऑप्शंस के माध्यम से हम आपको बता दे रहे हैं। सेम इसी तरीके से हर एक जगह पर इसका यूज़ होता है। तो आप यहाँ से जाएं, बुकमार्क मान लेते हैं, हम ले लेते हैं और बुकमार्क में हम डिवाइस का यहाँ से लिंक जनरेट कर देते हैं। डिवाइस को सेलेक्ट किया और यहाँ पर हम इंसर्ट कर लेते हैं डिवाइस को। बुकमार्क टेक्स्ट है आपका, एक डिवाइस नाम का लिंक हमने जनरेट कर लिया। हम एंटर करके आते हैं, डायरेक्ट हम पॉइंट नाम का बुकमार्क भी यहाँ पर जनरेट कर लेते हैं, उसको भी इंसर्ट कर लेते हैं। इसी तरीके से हम यहाँ फिर से हम यहाँ आते हैं और यहाँ पर एंटर करते हैं। अलग अलग लिंक हम यहाँ से बना ले रहे हैं। इंसर्ट हेडिंग कर लिया हमने यहाँ से, यहाँ हेडिंग वन आ गया। फिर हम यहीं पर आते हैं, एंटर करते हैं, हेडिंग टेक्स्ट जो है हमारा हेडिंग टू पर भी हम यहाँ से इसका भी सिलेक्शन कर लिया हमने, यहाँ से प्रेजेंट कर लिया। ये सब क्या है, ये सब लिंक जनरेट हो रहा है क्रॉस रेफरेंसेस के माध्यम से। इसी तरीके से हम यहाँ होते हुए जो नंबर्ड आइटम है उनको भी हम ऐड करना चाहते हैं, तो नंबर्ड आइटम को हम यहाँ पर चले जाएंगे और नंबर्ड आइटम हम यहाँ से कोई भी नंबर्ड आइटम जिसे हमको टू वाला चाहिए हम यहाँ पर क्लिक करके इंसर्ट कर लेते हैं। टू लिखा हुआ है लेकिन हमने प्रेजेंट किया है तो नंबर वन, पेज नंबर के अकॉर्डिंग, जैसे यहाँ पर नंबर के रूप में पेज नंबर हमारा ऐड है तो ये कहाँ पर लिंक जनरेट हुआ है वो ये बता रहा है। तो इस तरह से हम यहाँ से इंसर्ट कर लेते हैं। ठीक, इस तरह से हमने दोनों ही पेज पर है, चूंकि यहाँ पर पेज नंबर सिलेक्टेड है सो पेज नंबर ये दिखा रहा है। अगर पैराग्राफ नंबर करना चाहते थे तो हम 1-2 करते उस हिसाब से आता, तो हम यहाँ पर क्या कर लेते हैं, यहाँ पर क्लोज कर लेते हैं। तो आप देखेंगे हमने कई सारे लिंक यहाँ से जनरेट कर लिए। देखिए जब हम हाइपरलिंक से लिंक जनरेट करते थे तो चेंजेस दिखता था, सेम बता उसी तरीके से रहा। जब हम ले जाते हैं उस अपने जो भी हमने क्रॉस रेफरेंसेस के माध्यम से कंटेंट जनरेट किया है उस पर जब हम जाते हैं तो ये भी बताता है इस लिंक को फॉलो करना है, तो कंट्रोल के साथ आप क्लिक करें। इसी तरीके से हम हर एक को जनरेट कर सकते हैं। समय ज़्यादा ना लगे इसके नाते से मैं कॉन्सेप्ट को केवल क्लियर कर रहा हूँ, आप इसे देखेंगे। जैसे देखिए बुकमार्क का लिंक हमने जनरेट किया है, दोनों बुकमार्क हमारे, हेडिंग्स का लिंक जनरेट किया है हमने यहाँ से, जो हमारे नंबर्ड आइटम है पैराग्राफ के नंबर्ड आइटम है, चूँकि हमने वहाँ पर इंसर्ट रेफरेंस जो ऑप्शन था उसमें मैंने पेज नंबर सेलेक्ट किया था, इसलिए दोनों की नंबरिंग 1-1 आ गई है। अगर हमें डिवाइस बुकमार्क पे जाना है तो कंट्रोल के साथ हम यहाँ पर क्लिक करेंगे, डायरेक्टली हम अपने डिवाइस बुकमार्क पर पहुँच जाएंगे। आप देख रहे हैं यहाँ पर कर्सर ब्लिंक कर रहा है, ब्लिंकिंग हो रही है हमारा, ये जो फर्स्ट बुकमार्क हमने दिया हुआ था। इस तरह से हम डायरेक्ट वहाँ पर जा सकते हैं। यहाँ फिर हम आ गए, आ करेंगे कंट्रोल के साथ हम क्लिक करेंगे और डायरेक्टली हेडिंग टू पर पहुंच जाएंगे। तो जो काम हम हाइपरलिंक के माध्यम से कर रहे थे लिंक जनरेट करने का, या बुकमार्क देकर के हम हाइप जनरेट कर रहे थे, सेम वही काम हम यहां से क्रॉस रेफरेंसेस की मदद से कर पा रहे हैं। अगर हमें हेडिंग वन पे जाना है कंट्रोल के साथ हम हेडिंग वन पर क्लिक करेंगे और डायरेक्टली हेडिंग वन पर हम पहुंच जाएंगे।
इस तरह से आप इसका इस्तेमाल कर सकते हैं, क्रॉस रेफरेंसेस का भी इस्तेमाल। अगर हम नंबर्ड आइटम पर जाना चाहते हैं तो यहाँ से क्लिक करेंगे डायरेक्टली। मैंने कीर्ति कंप्यूटर पर जो दूसरे नंबर का पैराग्राफ दिया था, मैंने एक ही पैराग्राफ में नंबर दिया था 2, चूंकि पेज 1 है इसके लिए डायरेक्टली 1 लिखा हुआ था और डायरेक्ट हम यहाँ पर पहुँच गए। इस तरह से आप एक एक कंटेंट का इस्तेमाल क्रॉस रेफरेंसेस के माध्यम से भी आप अपने डेटा को लिंक कर सकते हैं। चूंकि ये लिंक्स टैब ही है तो इससे लिंक करने का, लिंक मतलब होता है जुड़ाव, जोड़ने का काम हम करते हैं। एक करके आपने कई ऑप्शंस को देखा, सो इसी प्रकार से हम क्रॉस रेफरेंसेस का यूज करते हैं। अभी आगे रेफरेंसेस मेनू में भी आपको क्रॉस रेफरेंसेस के बारे में बताएंगे। तो आपने देखा कि हाइपरलिंक में हम कैसे काम कर लेते हैं, किसी लिंक को हम कैसे प्रेजेंट कर लेते हैं जो आपके एग्जिस्टिंग आपके कंप्यूटर में सेव्ड फाइलें हैं, किसी भी डेस्टिनेशन में, किसी भी कोई भी पाथ को भी हम प्रेजेंट कर लेते हैं, चाहे वो करेंट फोल्डर में हो, कहीं से हमें पेज को ब्राउज करना हो या रिसेंट फाइलें हो, कोई भी हम यहाँ से ले सकते हैं। हम डायरेक्ट यहीं से बुकमार्क पर भी जा सकते हैं, जो कि हम यहाँ से देख पा रहे हैं, यहाँ से जो हम प्लेस इन दिस डॉक्यूमेंट देख पा रहे हैं वो काम यहाँ से भी कर सकते हैं। जैसा कि अभी मैंने बताया आपको, बुकमार्क के लिए हमें डायरेक्टली किसी भी वर्ड को सेलेक्ट करके हम उसका बुकमार्क जनरेट कर सकते हैं। कभी कभी बुकमार्क का जो वो ब्रैकेट साइन आ रहा है वो नहीं शो करता है, तो उसके लिए आपको करना क्या होता है, आपको फाइल में जाना होता है और आपको ऑप्शन में जाना होता है, और ऑप्शन में आप एडवांस में चले जाते हैं और यहाँ पर आप देखेंगे कि ये बुकमार्क पर एक बुकमार्क पे एक चेक लगा हुआ होता है। अगर ये 100 बुकमार्क का चेक नहीं लगा है तो आपका बुकमार्क वहाँ पर काम नहीं करेगा, या वो जो ब्रैकेट का फॉर्म आता है वो नहीं आएगा। मींस जो डिवाइस में मैंने दिया हुआ है, यहाँ पर आपको ये ब्रैकेट दिख रहा है ना पॉइंट के साथ या डिवाइस के साथ, वो ब्रैकेट नहीं आते हैं, बुकमार्क वर्क में नहीं रहता है। तो इसके नाते से कभी कभार अगर कोई प्रॉब्लम आती है तो आप वहां से सही कर सकते हैं। आपने देखा क्रॉस रेफरेंसेस के माध्यम से हमने जो अपना नंबर्ड आइटम था या हमने हेडिंग्स क्रिएट की थी या बुकमार्क बनाया था उसका हमने आपको लिंक जनरेट करके दिखाया। तो क्रॉस रेफरेंस आपको जो भी ऑप्शंस बच रहे हैं, जैसे फुट नोट, एंड नोट या टेबल्स या इनसे रिलेटेड ऑप्शंस जो बच रहे हैं, सो आपको हम रेफरेंस मेनू में पढ़ाते हुए बताएंगे इसके बारे में। यदि आपको वीडियो अच्छी लगी हो, सारे कॉन्सेप्ट आपके क्लियर हुए हो, तो आप वीडियो को लाइक करें, शेयर करें अपने फ्रेंड्स के पास, तथा चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया जरूर कर लें गाइस, क्योंकि इस पर आपको बहुत सारी नॉलेजेबल वीडियो ही मिलती हैं और वो सारी वीडियोस आपकी फ्री ऑफ कॉस्ट होती हैं, उसमें कोई भी चार्ज आपको नहीं पे करना होता है। तो हम नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट टॉपिक के साथ मिलते हैं, तब तक के लिए थैंक यू, जय हिंद।